हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बिग बॉस सीजन 13 में कनेक्शंस बनते और बिगड़ते हुए साफ तौर पर देखे गए। तो वहीं ऐसा ही एक कनेक्शन देखा गया रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला का, जहां देखा गया कि दोनों के बीच काफ़ी अनबन भी होती थी और कई बार दोनों को साथ में बात करते भी देखा गया। इसके अलावा रश्मि और शहनाज की भी एक अलग सी ही वियर्ड केमिस्ट्री देखने को मिली। इन सब के बीचों बीच अब बात करते हैं हाल ही में सिडनास जिस वजह से चर्चाओं में आए हुए हैं। दरअसल सिडनास का गाना भुला दूंगा रिलीज़ हुआ। जी हाँ, भुला दूंगा दर्शन रावल की आवाज़ में गाया गया बेहद बेहतरीन गाना है, जिसको 17 मिलियन से ऊपर लोग देख चुके हैं। गाने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और गाने पर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट से लेकर सेलेब्स भी लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। अब बात करते हैं रश्मि देसाई की। दरअसल रश्मि देसाई से हाल ही में बातचीत की गई सिडनास के गाने को लेकर। सिडनास के गाने पर रश्मि ने रिएक्शन भी दिया। रश्मि ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शहनाज मुझसे शादी करोगे में कहती रहती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग मैजिक क्रिएट करेगा और सिद्धार्थ एक वंडरफुल एक्टर हैं ही। इसके अलावा आपको ये बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि दोनों की केमिस्ट्री, दोस्ती यारी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, दोनों की ऑन स्क्रीन काम करते टाइम कैसी होगी, मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर, ये था रश्मि देसाई का रिएक्शन जो कि उन्होंने दिया था सिडनास के इस म्यूज़िक वीडियो पर। आपका क्या रिएक्शन होने वाला है इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।